हेलो नमस्कार, मैं हूँ रूपाली सतीज इन्फोटेक से। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन अकाउंट्स के बारे में, लिंक्डइन पेजेस के बारे में। तो आपको कभी कभी सोशल मीडिया मैनेजर को अपना लिंक्डइन पेज का एक्सेस देना होता है, तो ये कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, इससे आप अपना बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे लिंक्डइन का। जैसे ये मेरा बिजनेस पेज है, तो इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करके थोड़ा सा मैं खाली स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे सेटिंग्स टैब दिखेगा, इसको क्लिक करना है आपको। अभी देखिए पहला ही इसमें दिया हुआ है कि मैनेज एडमिन्स। ओके, इसको क्लिक करते हैं। राइट, अभी इधर पे मुझे अगर एडमिन को ऐड करना है तो मैं उसको ऐड एडमिन करूंगी। शुरुआत में हम लोग सिर्फ फर्स्ट डिग्री कनेक्ट्स को ही ऐड कर सकते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, समझिए मैंने किसी का नाम इधर पे डाल दिया। ओके, इनको मुझे मेरा एडमिन करना है तो उनको मैंने क्लिक किया। सुपर, आपके पास में तीन रोल्स हैं एडमिन के लिए। एक सुपर एडमिन है जिसको आप सारा कंप्लीट एक्सेस दे सकते हैं, जिस तरीके का एक्सेस आपके पास में है वो ये पेज डिलीट कर सकते हैं, एडमिन रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक होते हैं कंटेंट एडमिन, जिसमें वो लोग कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पेज को, कमेंट्स कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं। और तीसरा रोल होता है एनालिटिक्स का, जिसमें वो सिर्फ एनालिटिक्स देख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी एजेंसी को देते हैं कि यू कैन मेक देम कंटेंट एडमिन। अगर आपका ही कोई स्टाफ है या कोई कंप्लीटली आपके एड्स वगैरह रन कर रहा है तो उनको आप सुपर एडमिन का रोल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं सुपर एडमिन का रोल दूंगी। अच्छा, अब उनको रिक्वेस्ट तो चले गया सुपर एडमिन का, अब उन्होंने अपने उनको अपने इनसाइट्स में ये दिखेगा रिक्वेस्ट और वो एक्सेप्ट करेंगे, तब वो जाके इधर पे एडमिन हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सतेज इन्फोटेक के चैनल को, ताकि ऐसे ही टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।